स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों द्वारा मरीजों के साथ दुर्व्यवहार के किस्से अक्सर सामने आते रहे हैं। अब खबर सिवनी से है, जहां स्वास्थ्य विभाग के फार्मासिस्ट ने महिलाओं के साथ अभद्रता की और इंजेक्शन लगाने के पैसे मांगे। धूमा में स्वास्थ्य विभाग में पदस्थ फार्मासिस्ट कैलाश डेहरिया पर महिलाओं ने बदतमीजी करने और पैसे लेकर इंजेक्शन लगाने का आरोप लगाया है। आरोप है कि फार्मासिस्ट ने ग्राम के कोटवार के साथ गाली गलौज की। कुछ महिलाओं ने आरोप लगाया है कि फार्मासिस्ट द्वारा कुत्ते के काटे के इंजेक्शन लगाने पर 900 रुपए की डिमांड करता है। जब इस संबंध में कुछ महिलाएं धूमा स्वास्थ्य विभाग में पदस्थ डॉक्टर से अनुरोध करने पहुंची, तब जाकर कैलाश डेहरिया ने इंजेक्शन लगाया। कई महिलाओं ने फार्मासिस्ट के खिलाफ धूमा थाना पहुंचकर ज्ञापन देकर थाना प्रभारी के साथ प्रशासन से आग्रह किया है कि फार्मासिस्ट को धूमा से हटाया जाए, नहीं तो लोगों को उग्र आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ेगा। ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र धूमा में पदस्थ है फार्मासिस्ट है कैलाश डेहरिया, उसके विरुद्ध एक आवेदन पत्र गाँव की अधिकतर महिलाओं ने आके मुझे दिया है। उसमें इन्होंने आरोप लगाया है कि कैलाश डेहरिया द्वारा बदसलूकी, बदतमीजी, अच्छा व्यवहार ना करना, ग्राम कोटवार संजय से गाली गलौज करना, देख लेने, इस प्रकार की धमकी बातें, इस प्रकार की चीज़ों का उल्लेख इसमें किया गया है। तो मैंने लेके आई हैं, तो लेके आई भैया तो ना ही कर दो, कि तुम लखनऊ पहुँच जाओ। फिर मैंने डॉक्टर साहब को बताई, फिर डॉक्टर साहब ने फिर एक लड़का का निगाह कर और फिर इंजेक्शन लगवाओ। नहीं, फिर डॉक्टर साहब ने कहे थे, डॉक्टर ने दो तुम हाँ? नहीं दो, डॉक्टर ने कहे थे जब वो इंजेक्शन लगवाओ, फिर डॉक्टर ने हमारे राजकुमार के भी और मुख भी चाहो, हम गए दवाई करे भी, भैया दवाई नहीं करूँ, कहते जाओ कि लखनऊ दोन, हम पैसे नहीं है, दो दिन भर गए लगवा खा गए लखनऊ दोन से, नहीं दवाई। किसने, क्या नाम है? जो ही कंप्यूटर जो धपारा को हाँ कैलाश डेहरिया। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।